सभी सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आरोपी सिद्धार्थ अग्निहोत्री एक डॉक्टर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एक कुंवारी है। नीति वर्मा को झूठा इल्जाम लगाने और मानहानि करने के अपराध में धारा 211 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जहां तक सिद्धार्थ जी का सवाल है ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। तू भी दिशा घोष, तेरे कान से मैं सब झंझट फंसी हूँ। विदिशा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, याद रखना, मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी तेरा नाम और तूने क्या क्या किया और करवाया। मैं बता दूंगी विदिशा कि तू असली मुजरिम है। विदिशा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या हुआ तुम्हें? कोई पानी लेके आओ प्लीज। आदि डॉक्टर को कॉल करो। ये नीति अचानक बेहोश कैसे हो गई? कहीं विदिशा ने तो मिस्टर सिद्धार्थ, ये आपका वॉलेट। इस वॉलेट के अंदर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लाइसेंस, फैमिली फोटो और 2600 रुपए हैं। प्लीज आप गिन लीजिए। ये आपकी वॉच, ये आपकी रिंग। एक बार चेक करने के बाद यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ। प्लीज आप बैठे ना सर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी उस झूठ पर विश्वास करता रहा जो नीति ने सबके सामने पेश किया। मैंने आपके बारे में कभी सोचा तक नहीं। आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप उसे माफी मत मांगिए। आपने उस मासूम अबला दिखने वाली लड़की का साथ दिया, इस पर कोई गलत नहीं है। उस पर विश्वास किया। हमारे समाज ने हमें इस तरह सोचने के लिए मजबूर कर दिया। शायद आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, सच को जितना भी छुपाओ, सच पे जितने भी पर्दे डालो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। सच कहा सिद्धार्थ जी आपने? आखिर में सच की जीत हुई और झूठ की हार। ये सब समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जा सकते हैं। थैंक यू सर। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो एक बार फिर से मैं माफी मांगता हूं आपसे। इट्स ओके। सर सर वो निधि वर्मा जो कल कोर्ट में बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने उसे आज रात भर अंडर ऑब्जर्वेशन पर रखने के लिए कहा। कल उसे डिस्चार्ज मिलते ही जेल हो जाएगी। अच्छा, तो डॉक्टर का क्या कहना है? सर, डॉक्टर का कहना है कि उसे साइनाइड दिया गया था स्किन के जरिए, जो कि ज्यादा मात्रा में देने पर किसी भी इंसान को लकवा मार जाता है। पर निधि तो किस्मत की अच्छी थी जो बच गई। एक काम करो, वहां पे एक हवालदार को खड़ा कर दो, बाकी कल देखते हैं। यस सर। सर एक मिनट। जी, मुझे ऐसा लगता है कि नीति वर्मा पर हमला हुआ है। इसका मतलब वो दोषी नहीं है। उसे फंसाया गया है या उसे बहुत सारे पैसे दिए गए हैं मेरे खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए।
अब मुझे भी समझ में आ रहा है। सर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर मेरे पास एक प्लान है। कुछ भी कहे नंदिनी साक्षात सावित्री का स्वरूप है मेरे सीट के लिए। हम लोग तो मन से हार गए थे पर तूने हिम्मत दिखाई तो हमारा हौसला बढ़ा। कोई और होता तो घुटने टेक देता। तू सचमुच देवी का स्वरूप बन के आई है हमारे घर में नंदिनी। दादी आप ये कैसी बातें कर रही। मैं कोई देवी नहीं हूं। ये तो आप सबका प्यार है जिसने मुझे हिम्मत दी। मैंने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया लेकिन फिर भी इस परिवार ने मुझे गले लगाया मुझे प्यार दिया। और आज आप सब साथ में हैं तो मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। नहीं नंदिनी तुम्हें माफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने इस मुश्किल घड़ी में हमारे परिवार का साथ दिया। इससे पता चलता है कि तुम हमारे परिवार से कितना प्यार करती हो। और तुम्हें अपने परिवार से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मांगने की बारी तो उस विदिशा की है। बहुत हुआ उसका गंदा खेल अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। मेरा घर वापस आना उसकी सबसे बड़ी हार है। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। वो बेवकूफ लड़की उसकी वजह से सारा खेल खराब हो गया और वो भी वापस आ गया। I'm sure ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा सार्थक। आप चिंता मत कीजिए छोटो माँ। ये घर ये बिजनेस ये प्रॉपर्टीज और तो और ये बैंक बैलेंस ये आप ही के तो हैं। आप मालकिन हैं यहाँ के। और ये जो कुछ भिखारी आपके इस आलिशान घर में रह रहे हैं ना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लीजिए ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं।
इन्हें संभाल के अपनी अलमीरा में रखिए और एक बात का ध्यान रहे, ये पेपर्स किसी भी हालत में इन लोगों के हाथ नहीं लगने चाहिए। सार्थक, एक तुम ही तो हो जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। ठीक है, मैं भी ड्रॉ में रख देती हूँ। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, कीप मी अपडेटेड। छोटू माँ, एक और खुशखबरी सुनी। वो जो पिन आपने साइनाइड में भिगो के नीति को चुभाई थी ना, वो काम आ गई है। तू विदिशा घोष, तेरे कान से मैं सब झंझटों में फंसी हूँ। विदिशा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सबको बता दूंगी तेरा नाम और तूने क्या क्या किया और करवाया। नीति कोमा में चली गई। अब वो किसी को कुछ नहीं बता सकती। ये तो खुश खबरी है। वो तो अच्छा है कि वो कोर्ट में बेहोश हो गई थी। अगर उसका मुंह खुल जाता तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब क्यों चिंता करते हा? हमसे कोई नहीं बच पाएगा। अगर वो कोमा से बाहर भी आ गई ना, तब भी हम उसे जान से मरवा देंगे। बस ये पावर और पैसा हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। सार्थक भैया, सार्थक भैया, क्या हो गया है आपको? वो लड़की वहां कोमा में है और आप लोग यहाँ खुशियां मना रहे हो। भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं जानती हूँ, ये इस औरत का जादू चल गया है ना आपके ऊपर। ये पावर, ये पैसा, इन सबकी लत इस औरत ने लगवाई है ना आपको। भैया, अपनी आंखें खोलिए, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात मानिए, मैं बोल रही हूँ, प्लीज अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। प्लीज चलिए भैया। काव्या, क्या चाहती हो तुम? Just leave me now. भैया, मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये हमारे संस्कार नहीं है। वो लड़की वहां मौत से जूझ रही है और यहाँ आप जश्न मना रहे हैं। क्यों भैया, प्लीज प्लीज, मैं बोल रही हूँ, देखिए अभी भी वक्त है। प्लीज सही रास्ते को चुन लीजिए। प्लीज प्लीज काव्या, अब रास्ता बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगा जहां मेरी मेहनत को पहचाना जाएगा, मेरी लगन को सराहा जाएगा। और अब यही मेरा रास्ता है। और हां, रही बात संस्कारों की, तो वो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है। हमारी मां को संस्कारी होकर क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। काफी
क्या हो गया आपको? आप ऐसे नहीं थे। प्लीज अपनी आंखें खोलिए। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो गलत है। आप उस औरत का साथ दे रहे हो जिसने हमारी मम्मा और माँ को छीन लिया, हमसे दूर कर दिया। कुछ तो शर्म करो भैया। अच्छा तो अब एक काम करो, मुझे भी आज से मरा हुआ मान लो। I am no more for you. जीना आसान हो जाएगा। मैंने इतना होनहार और इतना वफादार इंसान आज तक कभी नहीं देखा सार्थक। तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं मान गई तुम्हें। छोटी माँ, आप मेरे जैसा वफादार इंसान देखोगे भी नहीं, बस मेरी वफादारी का इनाम देना मत भूलिएगा। तुमसे ज्यादा खुश और कोई हो भी नहीं पाएगा, आई प्रोमिस यू। नंदिनी, तुमने तो सबसे माफी मांग ली, अब मेरी बारी है। आई एम रियली ग्रेटफुल। अगर तुम ना होती तो आज मैं जेल में सड़ रहा होता, और वो भी उस गुनाह के लिए जो मैंने किया नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस तरह से थैंक्स कहूं। सिद, इसमें थैंक्स बोलने वाले क्या बात है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये तो मेरा फर्ज था। आई वांट टू से थैंक्स टू यू, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। दिया है तुझको मैं तेरा हूं, तेरा काटे ना कटे लेता है ये करवटे, दिन मेरा तुझ में बिताऊं रतियां, दिल दिल को सुनाए बतियां। जिम्मेदारी तुम्हारी है। यस, ये ठीक होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक, ये सही होगा। आदि चार या पांच।
राजू तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? नाराज है मुझसे? मुझसे बात करो ना। चलना हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। चोर पुलिस, तू चोर, मैं पुलिस बनूंगा। तू भागना, हाँ भागना तू। छोटा मां घोष बाबू नहीं मिल रहे।